टू दर्ड लेवल ऑफ उड़ान इस फॉर्मूले को याद रखिए बस ये जो नाचता हुआ आया है ई प्लस आर इज इक्वल टू ओ यह स्लाइड पहले वाली स्लाइड का ही सेकेंड पार्ट है एक तरीके से ई प्लस आर इज इक्वल टू ओ जोर से बोलेंगे मेरे साथ ई प्लस आर इज इक्वल टू ओ यह बला क्या है ये खतरनाक है यार योर रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन मे कैंड ब्रेक योर लाइफ ई मतलब इवेंट आर मतलब रिस्पॉन्स एंड ओ इज इक्वल टू आउटकम क्या बोले ई e मतलब इवेंट आर मतलब रिस्पॉन्स एंड ओ मतलब आउटकम किसी भी इवेंट पे आपका रिस्पॉन्स उसके आउटकम को डिटरमाइन करता है किसी भी इवेंट पे आपका रिस्पांस उसके आउटकम को बात समझ में आई क्योंकि इवेंट सबके लिए करीब करीब एक जैसे होते हैं लेकिन रिस्पांस सबके उसी इवेंट पे अलग अलग होते हैं इसीलिए आउटकम सबका अलग अलग आता है समझाता हूं कैसे ये मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूं ये 9 दिसंबर 1914 की न्यू जर्सी यूएसए की फोटो है दिस फोटोग्राफ इज ऑफ 9th ऑफ दिसंबर 2000 9 1914 न्यू जर्सी ये करीब-करीब 10 -करीब बिल्डिंग आग में चली गई एक साथ 10 बिल्डिंग एक साथ आग लग गई और ये आग जिसकी बिल्डिंग में लगी उसका नाम इस दुनिया में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया कुछ समय के बाद और उस व्यक्ति का नाम था थॉमस अल्बा एडिसन थॉमस एडिसन वो व्यक्ति थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया हेलो जिनकी वजह से हम रोशनी में बैठे हैं आज टेन थाउजेंड टाइमेंटेड नौ हजार नौ सो नाइनटी नाइन हुआ और दस हजार बार कामयाबी हासिल करी तो नौ दिसंबर उन्नीस सौ चौदह के अंदर इसकी दस फैक्ट्रीज में आग लग गई और पड़ोसियों ने ग्रामीणों ने दरवाजा खटखटाया थॉमस 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 चिल्लाया और थॉमस चलाते चलाते थॉमस बाहर आए थॉमस जब बाहर आए तो लोगों ने बोला थॉमस तुम्हारी प्रयोगशाला जो दस बिल्डिंग में फैली हुई थी उसमें आग लग चुकी है थॉमस का लड़का चौबीस साल का चार्ल्स उनके साथ रहता था बिल्कुल दोनों बाहर आ गए और धूं धू करते हुए उसने अपने सामने अपने सपनों को जलते हुए देखा क्योंकि उसमें उसकी जिंदगी की सारी की सारी कमाई सारी की सारी मेहनत लगी हुई थी और थॉमस अपने बेटे का चार्ल्स का हाथ पकड़ के उस बिल्डिंग को गौर से देखते रहे और चार्ल्स को थॉमस ने कहा अपनी मां को बुला के ला चार्ल्स को थॉमस ने कहा अपनी मां को बुला के ला तो चार्ल्स ने बोला मां क्या करेगी थॉमस का जवाब सुनिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके थॉमस कहता है चार्ल्स अपनी मां को देखने तो देख आग कितनी शानदार दिखती है तो चार्ल्स ने बोला पापा हमारा सब जल गया हमारी सारी मेहनत जल गई बाप का जवाब सुनिए और गलतियां भी और गलतियां भी शाम को न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्टर थॉमस एडिसन का इंटरव्यू कर रहा है कि आपको कैसा लग रहा है उसने बोला हां मैं 67 इयर्स का हो गया हूं आज आज मेरी उम्र सत्तर साल सतासठ साल है थक गया हूं बूढ़ा हूं लेकिन एक बात तो मैं तुझे ईमानदारी से बताना चाहता हूं उसने बोला यस सर कल से फिर शुरू करूंगा कल से फिर शुरू करूंगा इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम आई डिफरेंस। इसी इवेंट पे कोई और होता तो उसका रिस्पॉन्स कुछ और हो सकता था हेलो इसी इवेंट पे कोई और होता तो उसका रिस्पॉन्स कुछ और होता तो आउटकम कुछ और आता लेकिन इसी इवेंट पे थॉमस एडिसन का रिस्पॉन्स कुछ और था और आउटकम यह है कि मैं और आप रोशनी में बैठे इवेंट वही है, रिस्पॉन्स अलग होते हैं लोगों के। कौन परेशान नहीं है सब परेशान है था में पे। और मैंने पांच साल दिल्ली फरीदाबाद में स्कूटर चलाया जनाब रिजर्व में चलता था अधिकांश तौर पर पैसा जो नहीं होता था फ्लाईओवर के ऊपर बंद कर लेते थे कि साला नीचे ग्रेविटी बोलते थे हम उसको हाँ जी अब हंसो मत तुम भी ऐसा करते हो गए मजाक उड़ाते हो तुम सो so, चौदह लोगों को हमने मार्केटिंग का मन मेरा भी किया कि छोड़ दो कौन सी आग लग रही है एक बात दिमाग में आ गई साला उसने सब कुछ बदल दिया मैंने कहा अगर आज छोड़ देता हूं ये चौदह लोग जिंदगी भर ताना देंगे ये बोलेंगे और करोड़पति बन गया तो मैंने कहा अब नहीं छोड़ूंगा अब करना और ज्यादा जरूरी है अब करना और ज्यादा जरूरी है कि इन चौदह को दिखाऊंगा कि मेरा लिया गया डिसीजन सही था तो इवेंट बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक जैसे रहते हैं दोस्त लेकिन उसके रिस्पॉन्स से उनके आउटकम बदल जाते हैं बात समझ में आती है तो बोलो हाँ yes! कुछ और हजार साल पहले आपको लेके चलता हूं समय काल त्रेता युग रामायण काल एपिसोड श्री राम वनवास ये मेरा फेवरेट है यार इसके बिना तो मेरा पता नहीं हिलता मैं करूं क्या करूं सीखने को इतना कुछ है मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों हम लोग पढ़ते हैं मार्केटिंग के गुरु फिलिप कॉटलर को हम लोग पढ़ते हैं कभी कभी आप लोग पढ़ते हैं रॉबर्ट कियोसाकी को कभी कभी आप पढ़ते हैं जैक कैनफील्ड को दुनिया भर के स्पीकर्स को आप पढ़ते हैं मैं कहता हूं तुलसीदास जी से बढ़िया ऑथर इस दुनिया ने पैदा ही नहीं किया तुलसीदास जी से बढ़िया ऑथर और अगर आप उसको ठीक से पढ़े तो साला इन अंग्रेजों को पढ़ने का जरूरत ही नहीं है सीखने का क्या जरूरत है देखो बार बार बोलता हूं इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम ये वो सिचुएशन है जहां मंत्री सुमंत्र जो भगवान राम की अयोध्या में मंत्री थे जिनका नाम सुमंत्र था वो कैकई और राजा दशरथ के महल में प्रवेश करते हैं कैकई अपना कोप भवन में बैठी हैं, बाल खोल रखे हैं काले कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं हाथ से आभूषण उन्होंने गिरा रखे हैं और महाराज दशरथ जमीन पर पड़े हैं क्योंकि कैकई दो वर मांग चुकी है पहला वर में चौदह साल के लिए राम को बनवास और दूसरे वन में भरत को राज तिलक अब ये दो वर्ष के राजा दशरथ को बिल्कुल बहुत शौक लगा और वो जमीन पर पड़े हैं है ना अब क्या कही ने मंत्री सुमंत्र को बोला राम को बुला के लाओ मंत्री सुमंत्र राम के कक्ष में जाकर बोलते हैं कि माता बुलाती है राम अपना सब काम छोड़ के क्योंकि अगले ही दिन क्या मिलने वाला है राज तिलक भागे भागे जाते हैं पिता दशरथ के कक्ष में जहां पर माता क्या कई साथ में है और उन्होंने पहली बार अपने पिता को ऐसी दयनीय स्थिति में देखा कि पिता जमीन पर लेटे हैं और मां सर पर खड़ी है तो राम अपनी माता से पूछते हैं पिताजी का यह हाल क्या हुआ ऐसा क्या हुआ इनको क्या तकलीफ है तो मां ने बोला तकलीफ तो कुछ भी नहीं है ये मोह में बंध गए हैं ये धर्म संकट में फंस गए हैं और धर्म संकट का कारण भी तुम ही हो तो राम ने बोला मैं कैसे इनकी विपत्ति दूर कर सकता हूं समस्या क्या है तो ने बोला कभी इन्होंने मुझे दो वर दिए थे आज मैंने मांग ली तो इनको तकलीफ हो रही है तो राम ने पूछा क्या वर मांगे तो इन्होंने बोला मैंने मांगा कि चौदह बरस के लिए तुमको बनवास और भरत को राज तिलक इन बातों से ये दिल पे लेके बैठे हैं इनको बस इतनी सी बात कितने साल के लिए भेज रहे थे हाँ राम ने चार शब्द बोले सर बस इतनी सी बात इतनी सी बात पिताजी परेशान है इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम इस रिस्पॉन्स ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बना दिया इस रिस्पॉन्स ने सिर्फ इस